हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं बात करने वाली हूँ रोज प्लांट को लेकर, और हम कटिंग से ग्रो करते हैं और फिर फ्यूचर में उसकी देखभाल हम कैसे करें, इसी को लेकर बात होगी, ताकि जो रोज प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करता रहे और काफी अच्छी फ्लावरिंग हमें सीजन टू सीजन देता रहे। अगर मैं बात करूं गुलाब की कटिंग की, तो 2 से 4 कटिंग जरूर लगाइएगा जब भी आप लगाएं, और गुलाब की कटिंग आप देख सकते हैं इतनी मोटी जरूर होनी चाहिए। ये देखिए पेंसिल जितने साइज की, इस साइज की कटिंग जो है उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इस तरीके से आपको सिंपल उसमें साइड कट देना है, जरूरी नहीं है 45 एंगल ही बनाए। मैक्सिमम क्या होता है कि जब हम प्लांट की नीचे से ब्रांच को तिरछा काटते हैं तो रूट जो है वो साइड से डेवलप होती हैं, सेंटर से नहीं होती हैं, तो उनको स्पेस ज्यादा मिल जाती है, रूट्स को ज्यादा अच्छे से डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम उसमें साइड कट देते हैं। मैंने एक कटिंग 2 महीने पहले लगाई थी, जी हाँ 2 महीने पहले। ग्रोथ आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली किया था, कोई पत्ती इस पर नहीं छोड़ी थी, ये इसकी नई पत्तियां हैं और ये यहाँ से नई नई इसमें निकल कर आ रही है। मैं इसकी रूट्स आपको दिखा देती हूँ, लेकिन मैं किसी भी कटिंग को 7 महीने से पहले किसी उसकी अपनी जहां पे मैंने प्लेस किया है जिस पॉट में उससे नहीं निकालती हूँ। तो बेसिक और फर्स्ट जो क्वेश्चन है यही आता है दोस्तों कि जब भी आप कटिंग लगाएं और उसके खराब होने का रीजन यही होता है कि हम उसको जल्दी जल्दी छेड़ देते हैं, जल्दी जल्दी हिलाते रहते हैं, प्लांट बार बार शॉक में जाता रहता है। तो कटिंग पहले ही ऐसे पॉट में लगाइए जिसको आपको बार बार मूव करना ना पड़े या कटिंग को निकालने की जरूरत ना पड़े। यानी आप इतना कुछ इस तरीके का छोटा पॉट लीजिए जिसको आप इजिली इधर से उधर कर सके। तो पहला पॉइंट यही है दोस्तों, जब भी आप कटिंग लगाएं ऐसे पॉट में लगाएं जिसको आपको छेड़ना ना पड़े, कटिंग को निकालना ना पड़े। इसकी रूट्स कितनी डेवलप हुई है 2 महीने में मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके आगे ही निकाल देती हूँ ताकि डाउट ना रहे। ये देखिए, और ये इसकी रूट्स, पानी में भी वॉश करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 महीने में गुलाब में कितनी अच्छी रूट्स जो है वो बनी है। आप मत सोचिए कि गुलाब 2 ही महीने में इतनी ज्यादा रूटिंग कर लेगा कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी गुलाब की कटिंग आप देखें, लगाएं और उसको ना छेड़ें। ये देखिए रूट कितनी डेवलप हुई है इसमें। अगर आप इसको बार बार छेड़ते रहेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट खराब हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि हम प्लांट ग्रो तो करता है लेकिन जैसे ही ट्रांसप्लांट करते हैं वो खराब हो जाता है। जी हाँ, ट्रांसप्लांट करके खराब होने का रीजन यही होता है कि हम प्लांट को जो है वो जल्दी जल्दी छेड़ देते हैं और प्लांट की जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब होती रहती हैं, जिसके कारण वो शिफ्ट करने के बाद खराब हो जाता है। तो आपको प्लांट तभी शिफ्ट करना है जब वो कम से कम 7 महीने पुराना अपने पॉट में, अपने प्लेस पे जहां आपने उसको लगाया था हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों, जब जो कटिंग है अच्छे से डेवलप हो जाए, 5-6 से 7 महीने पुरानी हो जाए, फिर क्या करना है। फिर दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे सामने ही रखा है, और ये कटिंग ठीक इसी तरीके से 7 महीने पुरानी है और इसको मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया है। मिट्टी हम ऐसे ही बनाएंगे जिसमें पानी डाले और पानी नीचे से निकल जाए, इसका मतलब ये है पानी मिट्टी में बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो आप मिट्टी ऐसे ही बनाएंगे जिसमें पानी डाले और निकल जाए, उसके लिए आप लेंगे गार्डन सॉइल, यानी अपनी कोई भी नॉर्मल मिट्टी जो आप यूज करते हैं, उसमें एक भाग लेंगे आप कंपोस्ट का, एक भाग लेंगे आप उसमें रिवर सैंड का या कोकोपीट का। अगर आपकी सॉइल ऑलरेडी बहुत अच्छी है, चिकनी नहीं है, तो आप रिवर सैंड या कोकोपीट दोनों में से एक चीज अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप 1 चम्मच फंगीसाइड मिला सकते हैं, फंगीसाइड आपके पास नहीं है तो आप नीम खली मिला सकते हैं 2 चम्मच। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसको रखना कैसी जगह पे है। तो गुलाब को सर्दियों में धूप जरूर चाहिए, और सर्दियों में मुश्किल से गुलाब को 4 से 5 घंटे की धूप मिल पाती है। तो गुलाब को सर्दियों में ऐसी लोकेशन दें जहां पर उसको सीधी सनलाइट मिले जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा, और गर्मियों में आप उसको ऐसी लोकेशन दें जहां पर उसको 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए, बस उससे ज्यादा उसे धूप गर्मियों की फिर नहीं चाहिए। चाहे कि प्लांट को लगा दिया और ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तो जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट करेगा प्लांट उसमें आपको बर्ड्स भी नजर आने लगेंगी, क्योंकि जब पौधा फ्लावरिंग करता है तो उसकी सारी एनर्जी फूल बनाने में लगती है और वो अपनी ग्रोथ जो है वो खुद की स्लो कर देता है। तो पहला काम यही है दोस्तों, जब आप पौधे को गमले में लगा चुके हो और पौधा ग्रोथ करना शुरू कर चुका हो, तब उसमें फ्लावरिंग जैसे ही स्टार्ट हो आप बर्ड्स को निकालते जाइए, रिमूव करते जाइए, और जहां से आप रिमूव करेंगे आप देखेंगे कि उसमें साइड से नई ब्रांचेस और निकलने लगेंगी, जिससे प्लांट जो है वो बुशी बनेगा, ज्यादा हरा बनेगा, ज्यादा हेल्दी बनेगा। यानी जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी फ्यूचर में हमें फ्लावर भी उतने ही ज्यादा
प्लांट पर मिलेंगे। तो एक प्लांट को तैयार होने में गुलाब के कम एक साल लग जाता है। आप ध्यान रखिए, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि प्लांट लगाया और हमें फ्लावर मिलने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। एक अच्छी, अगर आप ग्रोथ अपने प्लांट की चाहते हैं और चाहते हैं कि प्लांट हमारे साथ हमेशा बना रहे, तो आप इसकी शुरुआती देखभाल बहुत अच्छे से कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों गुलाब की प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स गुलाब में बहुत आती हैं, बहुत जल्दी भी आती हैं, अगर हम अपने प्लांट को थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं। तो प्लांट को जब इग्नोर करते हैं तो उसमें सबसे पहले किसी ना किसी तरह के पीस्ट का अटैक या माइट्स का अटैक होता है, जो कि गुलाब में होता है। और गुलाब में एक होता है फंगस का अटैक और एक होता है गुलाब में डाई बैग की प्रॉब्लम। तो पहले बात करूं अगर डाई बैग की प्रॉब्लम की, तो वो उसका मतलब है कि पौधा ऊपर से नीचे की तरफ मरने लगता है और आपको जहां से आपने अपने प्लांट को प्रून किया था, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हिस्सा जो है ये ब्राउन होता जा रहा है और ये नीचे नीचे ऐसे ही चलता जाएगा अगर मैं इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में ये चीज नजर आ रही है, तो उसको ठीक नीचे से प्रून कर दीजिए, यहां से कट कर दीजिए और उसमें ऊपर थोड़ी सी हल्दी या किसी भी तरह का फंजीसाइड लगा दीजिए, ताकि वो फंगस, वो प्रॉब्लम, वो डाईबैक की प्रॉब्लम नीचे तक प्लांट में ना जाए। तो ये तो थी डाई बैग की प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। बस और बस आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रूनिंग करें आपका कटर जो है वो साफ होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए। उस किसी भी तरह के सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं, उसको बॉयल पानी में, उबले हुए पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर साबुन से बहुत अच्छे से धो सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपने टूल को जो है वो सैनिटाइज जरूर कीजिए, डिसइंफेक्टेड जरूर कीजिए, ताकि आपका गुलाब जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके टूल के ऊपर की लेयर से ना पकड़े। तो ये थी उसको डाईबैग की प्रॉब्लम से बचाने की बात। अब बात करते हैं उसमें होने वाले फंगस और किसी भी तरह के कीड़ों के अटैक की बात। तो जो फंगस गुलाब में सबसे ज्यादा इसीलिए लगती है कि उसकी जो रूट्स हैं उनमें पानी जब रुकने लगता है, तब उसमें ज्यादातर फंगस की प्रॉब्लम आती है। तो गुलाब को पानी पसंद है, मॉइस्चर पसंद है, लेकिन उसमें रुकना नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं उसमें होने वाले कीड़ों के अटैक की बात। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब में ऐसी प्रॉब्लम आए ही ना, तो आप हर महीने उसमें किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड या नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। उस पे अच्छे से जो है इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम नजर आए तो आप उसको फटाफट से वहीं पे रोक दें किसी भी अच्छे इंसेक्टिसाइड से या नीम ऑयल से, जो कि ऑर्गेनिक तरीका है और बेहतरीन तरीका भी है अगर आप टाइम पर उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गुलाब में एक और प्रॉब्लम आती है, जो कि होती है ब्लाइंड शूट्स और उसमें साइड से निकलने वाले शूट्स की, जो कि नीचे से बिल्कुल रूट से प्लांट में निकलते हैं। तो जैसा कि आप मेरे इस गुलाब में देख रहे हैं, ये वाली जो ब्रांच है ये बिल्कुल नीचे से निकली हुई है, ये देखिए, ये बिल्कुल नीचे से इसमें निकली हुई है और ये गुलाब का सारा पोर्शन ले लेगी, आपको इसे रिमूव कर देना है। तो ये भी इसमें गुलाब में एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कहूं या मैं कहूं कि एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, जो प्लांट मदर प्लांट को, मेन प्लांट को बहुत ज्यादा तंग करती है फीड लेने में, क्योंकि ये सारी ही एनर्जी रूट से ही डेवलप होती है, तो ये रूट से ही सारी एनर्जी सक कर लेते हैं और प्लांट को ग्रो नहीं करने देते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा शूट जो कि मेन स्टेम के नीचे से हो वो प्लांट में नहीं रखना है, उसको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। और ये तभी होता है जब प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा होता है, अपने ग्रोथ वाले पीरियड पर होता है, तो ये जो शूट्स हैं ये बहुत ज्यादा निकलती हैं। आपको सर्दियों में ये शूट्स सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये गुलाब का सबसे अच्छा ग्रोइंग सीजन होता है। तो ये थी उसकी प्रॉब्लम्स दोस्तों। अब बात कर लेते हैं उसको फर्टिलाइज कैसे करना है। तो अगर आपने मिट्टी बहुत अच्छे से बनाई है, तो आप उसमें मंथली एक मुट्ठी कंपोस्ट डालते रहिए और उसमें कोई भी अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर, अगर आप किचन वेस्ट से बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप बनाना पील का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं उसमें, हर महीने हर 15 दिन में जरूर यूज कीजिए। इसके अलावा आप अंडे के छिलकों से बना फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। अंडे के छिलकों को एक हफ्ते के लिए पानी में भिगो दीजिए और उस पानी को गुलाब को दे दीजिए, उससे गुलाब में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जब प्लांट ग्रो करेगा, बर्ड्स बनाएगा, तो बर्ड्स जो है वो डेड नहीं होंगी खिलने से पहले। अक्सर जब प्लांट में बनने वाली बर्ड्स गिरती हैं, उसका एक कारण कैल्शियम की कमी भी हो सकता है। तो कैल्शियम की कमी प्लांट में नहीं होगी, आप होममेड फर्टिलाइजर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों नए गुलाब में जब भी आप पौधा लेकर आए या नया गुलाब आपने कटिंग से उगाया है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। गुलाब में अगर आप एक साल भी इन बातों का ध्यान रख लेते हैं, तो आपका गुलाब कभी खराब नहीं होगा। आपको उसमें उस तरीके से चलने की आदत हो जाएगी कि गुलाब को किस समय पे क्या चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो गुलाब हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, अपनी रौनक अपने फ्लावर्स के थ्रू बनाता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी, आपके काम आई, तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मुझसे छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।